जैसे दिल्ली से, लखनऊ से, बरेली से, इस तरफ से जो बाहर के लोग अपनी गाड़ी, उनके लिए क्या सुविधा हुई? उनके लिए हमने सुविधा कर रखी है, जगह जगह पे शटल करवा रखे हैं, हल्द्वानी से लेकर के भवाली से लेकर के भीमताल से हर जगह हमने शटल सेवा करवा रखी है। नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त कैची धाम में और मेरे साथ सर जुड़े हुए हैं थाना अध्यक्ष महोदय जी कैची धाम में। तो दोस्तों, यहाँ की जो व्यवस्था है इस वक्त, अभी है आज है 14 जून का एक दिन पहले, तो जो व्यवस्था कल की होने वाली है, किस तरह से जो श्रद्धालु लोग आने वाले हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, किस तरीके से आना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में है बहुत सारे सवाल कि हम लोग किस तरीके से आए, कैसे आए, क्या वहाँ व्यवस्था होगी और क्या नियम लागू हुए हुए हैं, तो सारी जानकारी। कैची मेला स्थापना दिवस के अवसर पे हमारे पुलिस विभाग ने और प्रशासन की टीम के द्वारा रोड के किनारे काफ़ी पाथ भी बना दिए गए हैं श्रद्धालुओं को चलने के लिए, उनको चलने के लिए सुगम करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे प्रयास कंप्लीट भी कर चुके हैं हम लोग और सारा शासन प्रशासन मिलके हम इस मेले को बिल्कुल एक ऐसा बनाएंगे जिसमें कि श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी और श्रद्धालु आराम से बाबा जी के दर्शन करेंगे और बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, जो लोग बाहर से आने वाले हैं अपनी गाड़ी लेकर, जैसे दिल्ली से, लखनऊ से, बरेली से, इस तरफ से जो बाहर के लोग अपनी गाड़ी, उनके लिए क्या सुविधा हुई? उनके लिए हमने सुविधा कर रखी है, जगह जगह पे शटल करवा रखे हैं, हल्द्वानी से लेकर के भवाली से लेकर के भीमताल से हर जगह हमने शटल सेवा करवा रखी है। शटल सेवा के माध्यम से हम उनको यहाँ भीड़ की स्थिति अधिक ना हो कैची धाम में, उनको सुगमता से यहाँ बाबा जी के दर्शन हो सके, उनको सुगम करने के लिए शटल की व्यवस्था कर रही है। और जो कैची धाम में पहुँच जाएंगे, कहाँ पर से कितना पैदल चलना पड़ेगा, किस तरीके से दर्शन होंगे, कितने देर में एक व्यक्ति कैची धाम आके दर्शन कर सकेगा और कितनी देर में यहाँ से जा सकेगा? हमने इसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है, बाबा जी के धाम से 2 किलोमीटर ऊपर हमने एक जगह है जंगलात बैरियर, वहाँ पर हमने शटल का स्टॉपेज पॉइंट बना रखे हैं। स्टॉपेज पॉइंट से बाबा जी का धाम लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा, 2 किलोमीटर के दायरे में हम श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे और उनको सुगम दर्शन करवाएंगे। अच्छा, पिछले साल से इस साल में कितना विभाग पुलिस की टीम आई हुई है अच्छे से यहाँ पर और सुविधा देगी, और टॉयलेट की सुविधा और रहने की सुविधा किस प्रकार से? पिछले बार मैंने ही ये मेला करवाया था, यहाँ पर मैं मौजूद था, मैं चौकी प्रभारी के पद पर मौजूद था, मेरा भी मन था कि मैं एक मेला और करवाऊँ, उसको सुगम करने के लिए मैंने भी जो पिछले बार कमियाँ रही थी उसका फीडबैक दिया गया है। फीडबैक देने के अकॉर्डिंग जो रास्ते में जो टॉयलेट बाथरूम की दिक्कत आ रही, जगह जगह हमारे द्वारा सुलभ शौचालय लगाए गए हैं और जो है यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि वो अच्छे तरीके से बाबा जी के दर्शन करें। तो मैं भक्तों के लिए संदेश, भक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा, पिछली बार भी काफ़ी बाबा जी के दर्शन करने के लिए धक्का मुक्की की कर रहे थे काफ़ी लोग, मैं श्रद्धालुओं से यही निवेदन करूँगा कि वो क्राउड बन के ना आए, यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बन के आए और पुलिस विभाग का सहयोग करते हुए सुगमता से अपने दर्शन करें, धक्का मुक्की ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर इस तरीके से अच्छी व्यवस्था करी, क्योंकि आने वाले पिछले जो पहले मेला हुआ था तो उनमें बहुत सारी कमियाँ रह जाती थी, लोग बाहर दर्शन बिना मालपुआ ले ही चले जाते थे कुछ लोग, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और पूरा जो बेरेगढ़ रोड का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से चौड़ा बनाया, और हमारे साथ श्रद्धालु लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर